गाइस, मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से कैसे बचे, आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए और कोरोना वायरस से कैसे लड़े। गाइस जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझना कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि वैसा करो। तो मेरा मानना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे लगता था, इसीलिए मैंने आपको ये सब बोला। मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग करना छोड़ देना पड़ेगा। गाइस कोरोना होता है तो आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो। आपको मैं एक उदाहरण दूँ, गाइस आपको कुछ भी मतलब कुछ हुआ ही नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप रिपोर्ट कराते हो और डॉक्टर आपको बोलता है, जो डॉक्टर बोलगा वही आप मानने वाले, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कैंसर है, तो आप मान ही लोगे कि मुझे कैंसर है, तो इंसान टेंशन में आधा मर जाता है। इसीलिए गाइस कुछ भी बात का टेंशन नहीं लेने का और पॉजिटिव थिंकिंग रखने की कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर कोरोना वायरस हो तो मेरे नबी का फरमान है कि जहाँ पर वबा फैली हो, मतलब वबा का मतलब वो होता है कि बीमारी, जहाँ पर बीमारी फैली हो तो वो जगह आप रहते तो वो जगह से बाहर ना जाए और जो लोग बाहर रहते वो वबा वाले एरिया में ना आए, तो गाइस वबा वहीं रहेगी और उसका खात्मा हो सकता है, ये हमारे नबी का फरमान है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको संतरे का जूस या लेमन का जूस पीना होता है। और गाइस हमारे गांव में कल ईद और ईद के दूसरे दिन हमारे गांव में इम्यूनिटी की जो इम्यूनिटी बढ़ाने की टेबलेट आती है वो दान करी थी हमारे गांव के सभी लड़कों ने। मुझे गर्व है कि मैं हरगुल गांव में रहता हूँ, क्योंकि हमारे हरगुल गांव इतना अच्छा है ना, वो सबकी मदद करता है। पिछले लॉकडाउन में गाइस सभी की मदद की है, वो खाने पीने से लेके सभी चीज़ों में हमारे गांव में मदद की है। जो हमारे गांव के सभी बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं और जो मदद करने वाले हो, सभी लोगों ने गांव लोगों की मदद की है। गाइस आप भी ऐसे गांव या शहर में रहते तो आप भी एक दूसरे की मदद करो। तो मास्क के बारे में कहना चाहता था कि मास्क आप पहनते हो तो मास्क बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है कि क्योंकि मास्क आप पहनते हो तो ऐसे पहनते हो तो सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। आप जैसे सांस छोड़ते हो तो सांस छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आप छोड़ते हो तो मास्क में ऐसा आता है, वो आप सांस नहीं ले सकते। लव मैं बताऊँ आपको, तो गाइस ये है मास्क, तो ये मैंने पहन लिया और मैं इसे पूरा दिन पहन रखता हूँ, तो जो आप ऑक्सीजन छोड़ते हो तो ऐसे यहाँ से निकल नहीं पाता, इसीलिए आपको सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। और आप जब हॉस्पिटल जाओ या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाओ तो आप मास्क पहनो। और गाइस आपसे ऐसे घर में हो या खुली जगह पे तो मास्क मत पहनो, क्योंकि मास्क पहनते तो आपको सांस लेने में तकलीफ पड़ती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो और छोड़ते हो तब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे पीछे ही मुंह में चला जाता है, नाक से, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ पड़ती है और आपको फेफड़ों में तकलीफ आती है। इसीलिए मेरा मानना है कि गाइस आप मास्क पहनो पर भीड़ भाड़ वाली जगह और हॉस्पिटल पर पहनो, पूरा दिन मास्क मत पहनो। और गाइस जो लोग कुछ लोग तो दो दो मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, तो मतलब एक ऐसे और फिर दूसरा, तो गाइस सांस लेने में तकलीफ तो पड़ेगी, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। गाइस आपको कोरोना को कंट्रोल कर ज्यादा नहीं फैलाना, बीमार नहीं ज्यादा होना। गाइस मैं तो ज्यादातर मास्क पहनता ही हूँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाता नहीं हूँ, हॉस्पिटल में जाते नहीं, इसीलिए मैं मास्क नहीं पहनता। मैं जिस दिन भीड़ भाड़ वाली जगह या हॉस्पिटल में जाता तो मैं मास्क जरूर पहनता हूँ, पर मास्क पहनना भी चाहिए हॉस्पिटल में। आप हमको क्या पता कि कौन कैसा आता है, और कोरोना अभी तो ऐसा फैल रहा है इंडिया में, लोग मरी जा रहे कोरोना में, ऑक्सीजन की भी कमी है, इसीलिए गाइस ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए आपको दो चीज़ें तो जरूर करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको जड़ नहीं काटना चाहिए, जो पेड़ है पेड़ पौधों को ज़्यादातर छेड़ने चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए हम सांस ले सकते हैं। और गाइस आपकी इम्यूनिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोरोना हो भी जाए तो भी वो मिट जाना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना। आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो आपको कोरोना होगा तो आप मरी जाओगे। मैं CSPH देने के लिए मैं कई टाइम से सोच रहा था, पर मुझे अब तो मैं बताई दूँ मुझे ऐसा लगा, तो मैंने आपको बताई दिया कि गाइस ये कोरोना के लिए ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस मुझे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको ये स्पीच बता दी। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं, अभी तो फिलहाल मैं मामा के घर, आपको पता ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल बाय।